गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम प्रशंजय चक्रवर्ती, योर मैथ्स टीचर। टुडेज आवर चैप्टर इज एक्सपोनेंट एंड एक्सरसाइजेस 6.2। ओके, लेट्स बिगिन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग रूल 2। 6 to the power 5 डिवाइड बाई 6 to the power 3। ओके, लेट्स बिगिन टू सॉल्व। रूल इज फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट वी आर यूजिंग दिस रूल a to the power m and a to the power n equal to a m minus n. This is, so we fit this 6 to the power 5 for this part, and this part is 6 to the power 3 equal then 6 is our common, so we are use 6 and power will be minus. So 6 to the power 5 minus 3, so 6 to the power 2. Okay, so this is the our answer. Okay, then after we solve question number B, means second, 27 to the power 8 divided by 27 to the power 2. This solve. We use this rule for here, okay? So I have solved for this steps. 27 to the power 8 by 27 to the power 2. This 27 is our common, 8 minus 2. This, so 27, 8 minus 2 is 6, for this 6, this is answer. Okay, then I am erase for first questions. And I am solving C here. Okay, C is 13 m to the power m minus 13 to the power n. ठीक है, this. अब आपको इसी क्वेश्चन में फिर से मैं बता रहा हूँ, फिट कर देना है आपको. ठीक है, 13 कॉमन निकल जाएगा, इन दोनों को अगर आप यूज करते हैं तो 13. ठीक है, m डिवाइड बाई 13 टू द पावर n कॉमन निकाल लेते हैं, तो 13 m माइनस n, दिस इज आवर आंसर. ओके, सो अब हम इसको भी इरेज कर रहे हैं. d और e दो क्वेश्चन यहाँ पे बचे हुए हैं, सो आई एम सॉल्व क्वेश्चन नंबर डी. यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर ई फॉर फर्स्ट. ओके, डी क्वेश्चन इज एम एन टू द पावर 7 ओके, यू हैव टू नोट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट दिस क्वेश्चन. ओके, this is our question, mn to the power 7 divided by mn to the power 2. Okay, same rule we have used, mn to the power 7 by mn to the power 2 equal then mn is common, so we are right mn, and we have to use rule, so 7 minus 2. So answer is mn, and 7 minus 2 is 5. Answer. Okay. And question number E first, your homework. So note down firstly, I have to write question number second. Okay.
क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट इज 6 to the power 5 एंड 6 to the power 4, देन आवर एल आरएचएस इज 6, ओके, सो लेट्स स्टार्ट. 6 to the power 5, 6 to the power 4 इक्वल टू 6. अब 6 को हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोनेंट में 5 दिया हुआ है तो उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. 6 multiplied by 6 multiplied by 6 multiplied by 6 by 6 multiplied by 6 multiplied by 6 multiplied by 6. 6 to the power 4 means 1 2 3 4 6. 6 to the power 5 means 1 2 3 4 5 6. Okay, this is 6. 6 cut 6 cut 6 cut 6 cut. 6 1 jar 6 1 jar 6 1 jar 6 1 jar. Only left 6. 6 equal then 6. So prove that. Okay. Write down firstly. अब यहाँ पर देखिए पी के पावर में 9 है और पी के पावर में 4 है, ठीक है. पी इंटू 9 टाइम्स में लिखूंगा इसको. 4 5 6 7 8 9, ओके, बाय पी के पावर में 4. और यहाँ पर पहले से ही आरएचएस हम लोग को अवेलेबल है p to the power 5. अब देखते हैं इक्वल है यानी P से P कट. अब बचे कितने, 1 2 3 4 5 मीन्स P to the power 5 इक्वल देन P to the power 5. सॉरी, ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वल. अब क्वेश्चन नंबर इसमें जो थर्ड दिया हुआ है उसको आपको खुद से बनाना है, बहुत इजी. अगर नहीं बनेगा तो मैं आप उसे उसको सॉल्व करवा दूंगा. अब हम लोग इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग बनाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 को. फॉर दिस क्वेश्चन वी हैव टू यूज दिस रूल, a to the power minus m इक्वल देन 1 by am. सो आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, फॉर 3 a power minus m, a minus power m, this and this equation is equal. So we found this equation. So 1 by 12 to the power. ठीक है, आपको ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है. आपको करना क्या है, इसके बाय में ऑलरेडी 1 मौजूद है, ठीक है. इसको जब आप इक्वेशन यहाँ पे चेंज करेंगे तो यहाँ पर इसके 1 को यहाँ ऊपर लिख लेना है आपको, और ये जो 3 है ये 12 to the power 3 यहाँ पर आ जाएगा, वो प्लस बन जाएगा, ठीक है. सेम सारे क्वेश्चंस बनाने हैं इसके, इसके क्वेश्चंस में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आपको क्या करना है, 1 को ऊपर लेकर जाना है, 12 को यहाँ नीचे लेकर आना है, और जो भी पावर होगा उसको यहाँ पर सेट कर देना है इस फॉर्मूले के अनुसार, ठीक है. अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है. उसमें दिया हुआ है टेक द न्यूमरेटर एंड डिनोमीटर, तो चलिए न्यूमरेटर और डिनोमीटर को बनाते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज टेक द डिनोमीटर द न्यूमरेटर. सो वी आर स्टार्ट 1 by 35 to the power 4, इट्स आवर क्वेश्चन. रूल इज 1 by a to the power m इक्वल देन a to the power minus m. This for this equation 1 1, a to the power m, 35 to the power 4. Just we have to change this, okay. We have solved for this equation. So a means 35. This is I am right 35 to the power 4. So I have written minus 4. This is our answer, okay. Same to same question number 2. You have to solve this. Okay. This is your work. I have to solve question number 5. Write down now. So we have to solve this question. 3 to the power 9 minus 9 power by 1. So 3 to the power minus 9 by 1
this answer will be have to change for this side, 1 for upon side of numerator, and we have to return a denominator in here, and power is minus 9, so this is 9. This is the answer of first question. Okay, I have to solve B question. A to the power m, b to the power m. So solve a to the power m by b to the power m. So our equation is 1 by a to the power minus m and b to the power minus m. Okay, a to the power minus m and the b to the power minus m. Okay, sorry, b to the power m, क्योंकि इस a m को हम लोगों ने यहाँ पर लेकर आया है, इसलिए a के पावर में माइनस m हुआ है, लेकिन b m ऑलरेडी पॉजिटिव में था, तो b m हमारे पास यहाँ पर मौजूद है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा b क्वेश्चन. c क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा. अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को, जो लगने वाली है कल. सो आप इसे राइट डाउन कर लीजिए और कॉपीज कंप्लीट करके आप ग्रुप में सबमिट कर दीजिए. बुक्स आपकी अवेलेबल है स्कूल में, आप आकर ले सकते हैं मंडे से जैसे ही लॉकडाउन ओपन होता है. सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी फॉर टुडे. बाय.